हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जेडी की। दोस्तों, एसएससी जेडी की आज के तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं, वो जो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तीसरा शिफ्ट का एग्ज़ाम है। अगर आप सभी ने दो शिफ्ट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, ठीक है। और उसी ज़्यादा हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है दोस्तों कंचनजंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक आपसे पूछा जा रहा था गरबा किसका लोक नृत्य है, यह गुजरात का। और दूसरा पूछा जा रहा था कथकली किसका लोक नृत्य है, ये अपना केरल का, ठीक है। ये तो आप सभी को तकरीबन पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 1793 में गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सबसे पहले भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पहले भारत रत्न किसे मिला था? ये मिला था खान अब्दुल गफ्फर खान को, ठीक है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना दोस्तों, ठीक है। आप सोच भी सकते मैं कैसे कैसे ये प्रश्न इकट्ठे करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे दोस्तों, ये प्रश्न ये पूछा गया था, इंडियन आर्मी में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये दिया जाता है दोस्तों परमवीर चक्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश कौन सा है? मेरे हिसाब से दोस्तों ये भारतीय होना चाहिए, बाकी आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक प्रश्न आया था आप सभी के लिए, बीजेपी की नींव किसने रखी थी? इसका भी उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक पूछा था, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? यह है दोस्तों रुपया, ठीक है। एक प्रश्न आया था आप सभी के पास, 2018 में मीताभाई को किस खेल के लिए परमवीर चक्र दिया गया था? ये दिया गया था बारतोलोगे, कुछ ऐसे ही प्रश्न था। और आप सभी के पास एक छंदी विशेष थी, इसमें केस की पूछी गई थी और शुद्ध वृत्ति थी प्रकृति की, ठीक है। बस यही कुछ प्रश्न थे जो आप सभी साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल अनिल अमी प्रयोग सब्सक्राइब करना, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, एग्ज़ाम कोई औखा नहीं है, ठीक ही है पैटर्न एग्ज़ाम का, ठीक है। आप तकरीबन 100 के 100% करके आओ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्ज़ाम में। धन्यवाद दोस्तों।